मम्मी दिखाना, ऐसे करके दिखाओ, दिख रहा है? इधर नहीं दिखाओ, उधर से आओ। इधर अम्मा बैठी हैं और ये हमारी जेठानी भी आई हुई है मेहंदी लगवाने के लिए। ठीक है, मतलब आपको मॉस्किटो खा रहे हैं, सब रात हो रही थी, आवाज और उनके बैठ रहे थे, तो मैंने कहा सोचो। हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज 12 तारीख है, दिन है आज वेडनेसडे, और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:20 बज रहे हैं। और मैं अपना अब ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं बस अभी नहा करके आई हूँ और ये देखिए मेरी मेहंदी। मैंने आप लोगों को बोला था मैं आपको अपनी मेहंदी का कलर दिखाऊंगी जब धुल जाएगा, अपने हैंड वॉश कर लूंगी। तो ये देखिए कैसी लग रही है मेरे हाथों की मेहंदी। अच्छी लग रही है ना? और अभी तो ये शाम तक ना इसका कलर और डार्क हो जाएगा। चलिए अभी मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, मुझे आईब्रो बनवानी है। तो मैं अभी बस यही पास में पार्लर है तो वहीं जा रही हूँ, फिर वहां से आकर के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और अभी मैंने थ्रेडिंग तो करवा ली है और बस थ्रेडिंग ही करवाने आई थी, और तो कुछ नहीं करवाना मुझे, तो बस थ्रेडिंग करवा के अब निकलूंगी घर के लिए। और मैं ये थ्रेडिंग करवाने ना रिचा ब्यूटी पार्लर पे आई हूँ जो कि मेरे घर के पास में ही है। और मैं जब भी अपने घर यहाँ होती हूँ, मायके आती हूँ, जब भी मुझे पार्लर आना हो तो मैं इसी पार्लर में ही आती हूँ। और मेरी शादी पर मेकअप भी इन्होंने ही किया था, तो इसलिए मैं इन रिचा दीदी को काफ़ी टाइम से जानती हूँ और रिचा दीदी भी मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं। सो इसलिए मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ तो हालचाल हम ज़रूर लेते हैं एक दूसरे का। दीदी वही मुझसे पूछ रही थी और कैसे क्या हो, बेटा कैसा है।
करवा चौथ के स्पेशल ब्लॉग का। तब तक के लिए आप लोगों से विदा ले लेते हैं, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।